नमस्कार, आज बात एक ऐसे विधायक की, एमपी के एक ऐसे विधायक की बात करेंगे जिन्होंने बैंक से करीब 12 लाख रुपए का कर्ज लेकर चुनाव लड़ा और फिर चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों के दिग्गज नेताओं को हरा दिया। जी हां, एमपी की राजनीति में सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य जैसे पदाधिकारियों के पास भी खुद की कार होती है, लेकिन एमपी के 230 विधायकों में से एक विधायक ऐसे भी हैं जिनके पास अपनी खुद की कार भी नहीं है। हालांकि विधायक के पास खुद की बाइक जरूर है, इसलिए 3 दिसंबर को चुनाव रिजल्ट आने के बाद जीत हासिल करने वाले विधायक अपनी बाइक से ही भोपाल पहुंचे और अपनी बाइक पर उन्होंने लिखवा दिया एमएलए। बता दें कि एमपी के रतलाम जिले के सैलाना विधानसभा सीट से भारत आदिवासी पार्टी यानी कि बाप पार्टी से कमलेश्वर डोडियार जीते हैं। रिजल्ट आने के बाद विधायक कमलेश्वर को विधानसभा से जुड़ी प्रक्रिया के लिए राजधानी भोपाल आना था। ऐसे में उनके पास खुद की कार नहीं थी, तो उन्होंने कार का इंतजाम करने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो पाए। इसके बाद से वो अपने साले के साथ बाइक से ही 300 किलोमीटर का सफर तय कर राजधानी भोपाल पहुंच गए और विधानसभा से जुड़ी प्रक्रिया को संपन्न करवाई। भारतीय आदिवासी पार्टी से नवनिर्वाचित विधायक कमलेश्वर डोडिया ने अपनी बाइक पर एमएलए भी लिख दिया है। विधायक बाइक से ही भोपाल के लिए निकल पड़े। कुछ देर उनके साले ने बाइक चलाई तो कुछ देर खुद विधायक ने बाइक चलाई। इस तरह 300 किलोमीटर का सफर तय कर दोनों जिया साले राजधानी भोपाल पहुंचे और विधानसभा से जुड़ी प्रक्रिया को संपन्न करवाई। बता दें कि नवनिर्वाचित विधायक डोडियार आर्थिक रूप से कमजोर है। हालांकि चुनाव के दौरान उन्होंने लगभग 12 लाख रुपए का कर्ज लिया और इसी कर्ज पे वो चुनाव लड़े और फिर उन्होंने जीत हासिल की। बता दें कि उनका घर भी झोपड़ी का है, तो जो 12 लाख रुपए का उन्होंने उधार लिया था, इस उधार को विधायक डोडियार ने आदिवासी समाज से आर्थिक मदद लेकर चुकाया है। और वहीं इससे पहले भी विधायक कमलेश्वर डोडियार ने जुलूस निकालने के लिए कार न होने से ऑटो से ही जीत का अपना जुलूस निकाला था, जब रतलाम की सैलाना सीट से चुनाव जीते थे। वो एमपी के सबसे गरीब विधायक हैं। तो ये है उनकी कहानी। बाकी इनके बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।